रेलवे फाटक बंद होने के बाद पटरी क्रॉस ना करें, रेलवे ट्रैक पार करते समय किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, सेलफोन इस्तेमाल ना करें, ऐसा करने पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। सख्त जागरूकता अभियान के बावजूद मानव रहित फाटकों पर आए दिन होने वाली दुर्घटना चिंता का सबब है। रेलवे विभाग की माने तो साल 2012 में लोगों की लापरवाही से 15,934 जाने गई हैं। हमारे यहाँ रेलवे बोर्ड स्तर से हर माह 20 से 22 तारीख तक मानव रहित समपारों पर मतलब जो है हम लोग एम्बुस चेक घात लगाकर हम लोग चेक करते हैं और सभी मतलब सड़क वाहन यात्रियों के संबंध में अवगत कराते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, हर नियम से अवगत कराते हैं। भारत में रेलवे ट्रैक का विस्तार 65,000 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2012 तक रेलवे के पूरे विस्तार में 13,530 रेलवे फाटक मानव रहित हैं, जहां किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है। हालांकि रेल विभाग की माने तो 2017 तक सभी मानव रहित फाटकों को बंद करने का लक्ष्य है। अंडरपास जैसी सहूलियत देने की योजना है ताकि दुर्घटनाओं को दरकिनार किया जा सके। 109 ऐसे मानव रहित फाटकों को आइडेंटिफाई किया है जिसमें हम लोग लो हाइट सब्वे बना सकते हैं और इसका कार्य जो है हमने अपने निर्माण संस्थान को दिया है कि इसको जल्द से जल्द जो है पूरा करने के लिए कोशिश की जाए, तो अगले 3 साल के अंदर हम लोग 109 करीब लो हाइट सब्वे जो है वो बनाएंगे। 17 जोन में बटे भारतीय रेल पर सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी रेलवे तक खत्म नहीं होती, ये दायित्व आम जनता का भी है। आपकी छोटी सी भूल जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अरविंद चतुर्वेदी के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।